पश्चिम बंगाल में ये चल क्या रहा है? दो दो बार डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इतने बड़े पोस्ट को इतना फ्रीक्वेंटली इलेक्शन कमीशन ने क्यों चेंज किया? तो आइए ये सब कुछ ब्रीफली जाने से पहले, नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो बुलेटिन पूर्णिमा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो देखा करो, लाइक करो, कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो क्या हुआ एक्चुअली, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन को दो दो बार डीजीपी को चेंज करना पड़ा? पश्चिम बंगाल में जो डीजीपी था राजीव कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसको उसके अपनी पोस्ट से हटा के विवेक सहाय करके एक व्यक्ति को उसके जगह रिप्लेस कर दिया, फिर उसको भी चेंज कर दिया। तो पहले ही आपको राजीव कुमार के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बोल देते हैं। वैसे वेस्ट बंगाल के लोग राजीव कुमार को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। लोगों को मतलब लोगों को ये लगता है कि वो पब्लिक सर्विस कम, किसी सीएम की प्राइवेट नौकरियां ज्यादा करते हैं। ऐसे ही उसको बिहेवियर, मतलब उसको काम करन से ऐसे ही लगता है। क्यों ऐसा लगता है तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। 5-6 साल पहले, मतलब पश्चिम बंगाल में एक कांड हो गई थी, चीट फंड। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, चीट फंड निकली थी शारदा कंपनी करके, एक बहुत बड़ा कंपनी। वो चीट फंड मतलब उसके अंदर गरीबों का पैसा वो कैसे लूट रहे थे, गरीब गरीब लोगों की पैसा उस कंपनी के अंदर जमा हो रहा था कि ऐसे लालच दिखा के कि आपको 15 महीने में डबल, मतलब इस डबल के चक्कर में। लेकिन बाद में पता चला वो पूरा चीट फंड कंपनी है। कुछ एक तरीके के लोग जो है वो पैसा लेके, मानो कि एक तरीके की भागने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल ही फ्रॉड कंपनी था। और आप तो आजकल तो वो सुनने में आता है कि कौन सी पार्टी द्वारा ये कामकरण किया जा रहा था, ये सब कुछ उस वक्त भी लोगों को पता चल गया। ये पुलिस कमिश्नर, मतलब ये राजीव कुमार तब थे पुलिस कमिश्नर, उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप थे, बहुत ज्यादा एलिगेशन लगा था। लोगों को मानना था कि वो पुलिस कमिश्नर अब बहुत सारा शारदा कंपनी की जो प्रूफ, जो एविडेंस था, वो सबको नष्ट कर दिया। मतलब वो एक तरीके की मानो कि गवर्नमेंट को सेफ साइड करने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त जो गवर्नमेंट थे। उस वक्त क्या, अभी भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मतलब बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी की सरकार तब भी थे, अभी भी है, उसको बहुत ज्यादा सेफ साइड करने की कोशिश कर रही थी। तो सीबीआई उसको पकड़ने आई थी, सीबीआई के पास कुछ रिपोर्ट गया, तो ममता बनर्जी ने इतना धरना प्रदर्शन में बैठ गई थी, मानो कि दीदी तो ये बोल रही थी कि हम जान दे देंगे लेकिन राजीव कुमार को सीबीआई के हाथ हम नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उनको इतना डर था। तो वही राजीव कुमार आज कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन उसको अपनी पोस्ट से हटा दिया। तो इसी बीच अभी क्या मामला हो गया, देखो बंगाल में स्टेट गवर्नमेंट के साथ तो रिपोर्टर के साथ तो कुछ हमेशा ही चलता रहता है, आज इसको कल उसको, इसको पकड़ के ले जाना जेल में, ऐसा चलता रहता है। लेकिन आजकल बंगाल की सरकार को इतना ज्यादा डर है, उनको उनके साथ यूट्यूबर को भी मतलब हो जाता है। तो एक यूट्यूब है बंगाल में, प्रियो बंधु मीडिया करके, उन्होंने पॉलिटिकल एंगल को लेकर वीडियो बनाते हैं। तो पुलिस ने क्या है, उसके नाम पे एफआईआर किया और उसकी एक फोटो लेके अपनी वेबसाइट पे, मतलब सरकारी, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट पे, पुलिस की जो ऑफिशियल साइट होता है उसमें उसका फोटो पोस्ट कर दिया। और पोस्ट करके बोला कि ये मतलब दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है। देखो इतना ही दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, फिर वो फोटो आपको दिखा दूंगी, उसके मुंह पर ही स्टिकर चिपका दिया ताकि लोगों को आसानी से ये लोग पहचान ना ले कि ये प्रियो बंधु मीडिया का जो एंकर है वो है। तो उसके बाद में तो पता चल गया, तो उसके नीचे बहुत सारा मतलब पुलिस के साथ पब्लिक की बहुत कुछ कहा सुनी, बहुत कुछ हो गया। तो इसी बीच खबर मानो कि इलेक्शन कमीशन के पास तो चल ही गया। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि राजीव कुमार की उसको पोस्ट से हटाओ। तो राजीव कुमार को हटा दिया उसकी पोस्ट से, फिर दूसरे को ले आई विवेक सहाय करके एक व्यक्ति। लेकिन बाद में पता चला कि उनका इलेक्शन के बीच में ही रिटायर होना है।
इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के बीच में किसी इंटरप्शन झेलने ना पड़ा, तो इसलिए उसको रिप्लेस करके संजय मुखर्जी करके एक डीजीपी को पोस्ट कर दिया। तो ये हो गया सारा मामला। देखो बंगाल की ऐसे हालत है, हमारी बंगाल में खुद का मतलब बंगाल के डीजीपी रहते हुए भी इलेक्शन कमीशन को इसके बीच हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो उसको राजीव कुमार को हटा के फिलहाल के लिए संजय मुखर्जी को उस डीजीपी पोस्ट में अप्लाई कर दिया। तो ये हुआ लेटेस्ट न्यूज। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप मेरा चैनल देखते रहो, लाइक करो और अपना ध्यान रखना। ओके, जय हिंद, जय श्री राम।